मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमने कल पार्ट 9 बंदर और बिल्ली पढ़ा था। आज हम उसी पार्ट का संपूर्ण कार्य करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? यह है एनसीईआरटी की पुस्तक कक्षा 1, पार्ट 9 बंदर और गिलहरी। तो इसका आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला है कठिन शब्द। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प, पा पे बड़े ओ की मात्रा, चंद्रबिंदु, च, पूंछ, ज, मा, मा पे बड़ी की मात्रा, ना, जमीन, और ये नुक्ता भी लगा देते हैं यहाँ पे, ग, ग पे छोटी की मात्रा, ल, ह, र, बड़ी की मात्रा, गिलहरी। फिर है च, ढ़, ढ़ पे ये बिंदी भी लगाएंगे, क, र, चढ़कर, झ, बड़ी की मात्रा, ल, न, ए की मात्रा, झूलने, ग, छोटे की मात्रा, द, ग, छोटे की मात्रा, द, बड़ी की मात्रा, गुदगुदी, ह, चंद्रबिंदु, स, क, र, हंसकर, च, औ की मात्रा, अं की मात्रा, क, बड़ी की मात्रा, चौकी, भ, ए की मात्रा, या, आ की मात्रा, भैया, ता, उ की मात्रा, आदमा, ह, आ की मात्रा, र, ई की, बड़ी की मात्रा, तुम्हारी। दूसरा है शब्द अर्थ। ये शब्द हैं सारे और ये इनके अर्थ हैं। पेड़, पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष। पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष भी बोलते हैं। पूंछ, पूंछ को हम दुम बोलते हैं। जमीन, जमीन का अर्थ होता है धरती। अचानक, अचानक यानी एकाएक, सहसा। गुदगुदी, हंसना। भैया, भाई। मजा, आनंद। डाली, डाल। मिलते आगे है मिलते जुलते शब्दों का मिलान करें। अब मिलते जुलते शब्द राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनका हमें मिलान करना है। तो जिसमें सेम आवाज आ रही है, सेम साउंड। बंदर, बंदर किसके साथ मिलाएंगे? ये बटक हो गया, भूला, अंदर, नाली, पूंछ, मूछ। तो ये किस पे मिला देंगे? बंदर का हो जाएगा अंदर। वेरी गुड। दूसरा है लटक। अब लटक को हम किससे मिलाएंगे? ये पहला ही है भटक। वेरी गुड। अब पूंछ को किससे मिलाएंगे? वेरी गुड, मूछ से, है ना? पूंछ और मूछ, सेम साउंड आ रहा है ना। झूला और भूला, वेरी गुड। डाली किससे मिलाएंगे बच्चों? नाली से, वेरी गुड। अरे आप तो सब समझ जाते हैं। दूसरा है खाली स्थान भरिए। तो पहला पढ़ेंगे, एक बंदर पेड़ पर डैश था। तो आपको कहानी सुनाई थी ना मैंने, एक बंदर पेड़ पर क्या था? बैठा। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। दूसरा है गिलहरी डैश कर रही थी। क्या कर रही थी बताइए बच्चों? गिलहरी क्या कर रही थी? उछल कूद कर रही थी ना, उछल कूद, उछल कूद। गिलहरी उछल कूद कर रही थी। तीसरा है वह डैश पर चढ़कर झूलने लगी। तो बताइए किस में चढ़कर झूलने लगी? पूंछ, वेरी गुड, पूंछ, पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। गिलहरी को डैश आ रहा था, क्या आ रहा था? और झूलने में क्या आता है बच्चों? मजा ना, वेरी गुड, मजा आ रहा था उसको। बंदर डैश बोला। तो बंदर को जब गुदगुदी हुई तो क्या करके बोला वो? हंसकर, हंसकर, बंदर हंसकर बोला। अगला है वाक्य बनाओ। अब गिलहरी का वाक्य, गिलहरी का हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने बनाया है गिलहरी झूला झूल रही थी। दूसरा है लंबी। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। लंबी का आप कुछ भी बना सकते हैं। अचानक, अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। फिर है पेड़। हमें पेड़ लगाने चाहिए। उसके बाद है भैया। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ। अगला है प्रश्न उत्तर। अब बच्चों यह है प्रश्न, ठीक है? पेड़ पर कौन बैठा था?
अब देखो आपको केवल एक ही एक ये कौन की जगह आपको एक लिखना है, बस एक शब्द, बाकी तो सेम टू सेम, पेड़ भी ऊपर से लिखना है, पर भी, कौन की जगह बंदर आ जाएगा, बाकी बैठा और था सेम आ जाएगा, तो आपको तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। पेड़ पर कौन बैठा था, तो आपको लिखना है पेड़ पर बंदर बैठा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बंदर की पूंछ कैसी थी, तो बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। तीसरा प्रश्न है, गुदगुदी किसको हुई, तो गुदगुदी बंदर को हुई, गुदगुदी बंदर को हुई। चौथा प्रश्न है, कौन चौंका, कौन चौंका बच्चों, गिलहरी, गिलहरी चौंकी, गिलहरी चौंकी। पांचवा प्रश्न है, गिलहरी किस पर चढ़कर झूलने लगी, तो इसका उत्तर है गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस अभ्यास कार्य को बार बार पढ़ेंगे व लिखेंगे तो आप जल्द ही मात्राओं को पढ़ना व लिखना सीख जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।